हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पैरामेट्रिक टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जो इस चीज़ को एज्यूम करता है कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। इस टाइप के जो टेस्ट में रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरवल या फिर रेशियो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टी टेस्ट, एनोवा। फर्स्ट टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब हमें दो ग्रुप्स के मीन्स को आपस में कंपेयर करना होता है। इसके अंदर हमें इंटरवल या फिर रेशियो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिसर्चर है जो ये जानना चाहता है कि जो न्यू टीचिंग मेथड है क्या वो टेस्ट स्कोर्स को इम्प्रूव करता है बच्चों के या फिर नहीं करता। तो वो इसके लिए बेसिकली जो मीन होता है टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको पुराने मेथड से पढ़ाया गया था एंड जिनको न्यू मेथड से पढ़ाया गया है उनके मीन स्कोर्स को कंपेयर करता है। सेकेंड टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट इज एनोवा। एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा का यूज़ तब करा जाता है जब हमें तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ डेटा का मीन आपस में कंपेयर करना होता है। इसके अंदर हमारे पास डेटा इंटरवल या फिर रेशियो डेटा होना चाहिए। अब एक रिसर्चर है जो ये जानना चाहता है कि जो टेस्ट स्कोर है उनके बीच में डिफरेंस है अमंग स्टूडेंट्स हु वर टॉट यूजिंग थ्री डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और नॉट। थर्ड टाइप इज पियर्सन कोरिलेशन। इस मेथड का यूज़ जनरली तब करा जाता है जब हमें लीनियर रिलेशनशिप जाननी होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स की लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है ये जानने के लिए। इसके अंदर भी हमें इंटरवल या फिर रेशियो डेटा एप्लीकेबल होना चाहिए। अब एक रिसर्चर है जो ये इस चीज़ को जानना चाहता है कि क्या कोरिलेशन होता है एज और इनकम के बीच में, तो वो पियर्सन कोरिलेशन का यूज़ करेगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक स्टैटिकल टेस्ट होते हैं जिनमें जो एजम्पशंस होती है वो नहीं बनाई जाती अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ये जो टेस्ट होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहा जाता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास डेटा ऑर्डिनल या फिर नॉमिनल फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर जो एजम्पशंस होती है वो पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशंस को मेट नहीं करती। फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज विल्कोसन रैंकसम टेस्ट। इस टेस्ट का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब हमें दो ग्रुप्स के मीडियम को आपस में कंपेयर करना होता है। इसके अंदर हमें कोई भी जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिसर्चर है जो जानना चाहते हैं क्या टेस्ट स्कोर के बीच में डिफरेंस है बिटवीन स्टूडेंट्स जो पहले से ट्यूटोरिंग रिसीव कर रहे थे एंड जो ट्यूटोरिंग रिसीव नहीं करते, मतलब वो स्टूडेंट जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, ट्यूशन क्लासेस ले रहे थे एंड वो स्टूडेंट जो नहीं ले रहे थे, क्या उनके टेस्ट स्कोर में डिफरेंस है या फिर नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज क्रुशकल वॉलिस टेस्ट। इस टेस्ट का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब हमें तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मीडियम्स को आपस में टेस्ट करना होता है। इसके अंदर भी हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्चर हैं जो ये जानना चाहते हैं क्या टेस्ट स्कोर में डिफरेंस है अमंग स्टूडेंट्स जो पहले से ट्यूटोरिंग रिसीव कर रहे थे अलग अलग थ्री डिफरेंट ट्यूटोर से, यानी कि अलग अलग थ्री डिफरेंट टीचर्स से जो पहले से ही पढ़ रहे थे, क्या उनके टेस्ट स्कोर में डिफरेंस है या फिर नहीं है। टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज पियरमैन कोरिलेशन। इस टेस्ट का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब हमें मोनोटोनिक रिलेशनशिप जाननी होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। इस टेस्ट के अंदर भी हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल, एक रिसर्चर ये जानना चाहते हैं क्या कोरिलेशन होता है नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में अमंग एम्प्लॉयज़ या फिर नहीं होता।